अउज़ बिल्ल मना शाहीज़ीम बिस्मिल्लमरिम प्यारे बच्चो असल वरम्व वरक आज हम रूल और फंक्शंस ऑफ रिलिजन को डिस्कस करेंगे ठीक आज हम देखेंगे जो रूल ऑफ रिलिजन है या फंक्शंस ऑफ रिलिजन जो है वो क्या है ठीक देखो प्यारे बच्चों सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिलीजन फॉर सोसाइटी विच आर गिवन बिलो यानि कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिलिजन जो नीचे दिए गए है फॉर सोसाइटी ठीक उनको हम डिस्कस करेंगे देखो प्यारे बच्चों जो सबसे पहला फंक्शन है वो है टू गिव स्टेबिलिटी टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिस इज द फर्स्ट एण्ड फॉर मोस्ट फंक्शन ऑफ रिलीजन और वी कैन से रोल ऑफ रिलीजन ठीक टू गिव स्टेबिलिटी टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ठीक यानी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको आ, उनको स्टेबिलिटी देना उनको स्टेबिलिटी देना ठीक देखो प्यारे बच्चों जो ये रिलीजन है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गिविंग स्टेबिलिटी टू सोसाइटी ठीक यानी रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी को स्टेबल रखना सोसाइटी में पाईदारी कायम करना सोसाइटी में पाईदारी कायम करना यहां सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना ठीक और सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना और सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना या उनको स्टेबल रखना ये रिलीजन का एक बहुत बड़ा काम बनता है या ये इसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होता है ये इसका काम भी बनता है और इसका इसमें रोल भी होता है ठीक यानी सोसाइटी को स्टेबल रखना सोसाइटी में जो मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको मेंटेन रखना यह रिलीजन का बहुत बड़ा काम बनता हैं. देखो प्यारे बच्चों मिलियंस ऑफ पीपल आर दियर इन वन रिलीजन यानी एक मजहब में मिलियंस ऑफ लोग होते हैं मिलियन्स ऑफ पीपल होते हैं ठीक हु हैव कॉमन बिलीफ जिनका कॉमन बिलीफ होता है जिनका कॉमन बिलीफ होता है यानी जिनका आम अकीदा होता है उस रिलीजन पर ठीक दीज या दीज रिलीजस बिलीफ और वी कैन से दीज कॉमन बिलीफ्स या दीज कॉमन वैल्यूज या दीज वेज ऑफ बिहेवियर यानी उनका जो कॉमन बिलीफ होता है या उनके जो कॉमन वैल्यूज होते हैं या उनके जो जो लोग होते हैं एक मजहब के जो लोग होते हैं ठीक उनके जो कॉमन बिलीफ होते हैं उनके जो कॉमन वैल्यूज होते हैं उनके जो वेज ऑफ बिहेवियर होता है ये फॉर्म करता है ए ऑफ यूनिटी एक यानी ये, ये उन लोगों के दरमियान यूनिटी कायम करता है ये उन लोगों के दरमियान यूनिटी कायम करता है ठीक एट लीस्ट इन दैट रिलीजन उस रिलीजन में यानी उस रिलीजन के जो लोग होते हैं जिस रिलीजन के लोग जो होते हैं जिनके अंदर कॉमन बिलीफ होता है जिनके अंदर कॉमन वैल्यूज होते हैं जिनके वेज ऑफ बिहेवियर जो होते हैं उस रिलीजन के जो लोग होते हैं वहां पर उन लोगों के अंदर एक यूनिटी पैदा होती है इस रिलीजन से इस रिलीजन से और दैट रिलीजन विथ विच यूनिटी कम्स इन दैट ग्रुप फिर उन चीजों से उन चीजों से जो कॉमन बिलीफ होता है या कॉमन वैल्यूज जो होते हैं या वेज ऑफ बिहेवियर जो होता है जब ये फॉर्म करता है एसेंस ऑफ यूनिटी उस रिलीजन में लोगों के दरमियान फिर क्या हो जाता है उस यूनिटी से उस यूनिटी से वो सोसाइटी जो है या वो सोसाइटी के जो लोग हैं या वो रिलीजन के जो लोग हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा होती है मजबूती पैदा होती है इन दिस वे दिस यूनिटी हेल्प इन स्ट्रेंथ इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन उससे फिर क्या हो जाता है जो ये यूनिटी है ये यूनिटी फिर हमें मदद करती है उस उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने में इसलिए हम कहते हैं कि जो ये रिलीजन है इट गिव्स स्टेबिलिटी टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ठीक उसके बाद इसका जो दूसरा रोल है या रोल ऑफ फंक्शन या या रोल और फंक्शन ऑफ रिलीजन आप कह सकते हो ठीक वो है रिलीजन गिव्स डेफिनेट फॉर्म टू सोशल लाइफ रिलीजन गिव्स डेफिनेट फॉर्म फार्म सोशल लाइफ यानी रिलीजन जो है ये एक डेफिनेट फॉर्म फार्म सोशल लाइफ देता है देखो प्यारे बच्चों जो ये रिलीजन है इट इज द कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड मोर्स यानी रिलीजन जो है ये ये कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स होता है ये कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स होता है यानी इसके अंदर रस्म रिवाज होते हैं या इसके अंदर मोर्स होते हैं रिवाज होते हैं और ये जो कस्टमर्स एंड मोर्स हैं ये पार्ट ऑफ द कल्चर आल्सो होते हैं यानी ये उस आ, उस मतलब उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो होते हैं यानी उस सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनका जो कल्चर होता है ये कस्टमर्स और ये मोर्स जो है ये उस कल्चर के हिस्से होते हैं ये उस कल्चर के हिस्से होते हैं और इन दिस वे बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन सोशल एटमोसफेयर फिर इससे क्या हो जाता है इन कस्टमों से इन मोर से ठीक उस कल्चर के जो लोग होते हैं वहां पर बैलेंस मेंटेन होती है बिटवीन सोशल एटमोसफेयर एंड कल्चर यानी वहां का जो सोशल एटमोसफेयर होता है और वहां का जो कल्चर होता है इन कस्टमों से इन मोरजों से आ, वहां पर क्या होता है सोशल एटमोसफेयर और कल्चर के दरमियान बैलेंस मेंटेन होती है बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस सोशल लाइफ गेट्स डेफिनेट फॉर्म इस बैलेंस से जो ये बैलेंस वहां पर मेंटेन होती है सोशल एटमोसफेयर और कल्चर के दरमियान बिकॉज ऑफ कस्टमर्स बिकॉज ऑफ मोर्स ठीक तो इससे क्या हो जाता है जब बैलेंस मेंटेन होते हैं फिर क्या हो जाता है सोशल लाइफ गेट्स डेफिनेट फॉर्म और जो सोशल लाइफ होती है वो वहां पर एक डेफिनेट फॉर्म इख्तियार करती है ठीक तो उसके बाद इसका एक और फंक्शन है या एक और रोल है रिलीजन का वो है टू ऑर्गेनाइज फैमिली लाइफ टू ऑर्गेनाइज फैमिली लाइफ देखो पहले बच्चों मैरिज इन डिफरेंट रिलीजन इज डन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन यानी जो शादी है मुख्तलफ मजहबों के जो लोग होते हैं वो जब शादी करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन के मुताबिक शादी करते हैं यानी उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशन होते हैं उनके मुताबिक वो अपने मजहब में शादी करते हैं ठीक एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस के मुताबिक शादी करता है अपने मजहब में ठीक देखो प्यारे बच्चों बिकॉज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन इन रिलीजन ट्रेडिशनों की वजह से या इनकी बुनियाद पर बिकम्स परमानेंट फिर क्या हो जाता है जो रिलीजन होता है वो इट बिकम परमानेंट एंड इट्स लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथनज फिर उससे क्या हो जाता है जो वो जो वो इंडिविजुअल होते हैं उस मजहब की फिर क्या हो जाता है और उनकी जो लाइफ है या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मजबूत होती है फिर ठीक इसलिए हम कहते हैं कि जो ये मैरिज इन डिफरेंट रिलीजन जो है इज डन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन और फिर इन रिलीजन ट्रेडिशनों की वजह से जो रिलीजन है इट बिकम्स परमानेंट फिर वो परमानेंट बन जाता है ओ और इट्स लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो लाइफ है या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रेंथन होती है वो मजबूत हो जाती है ठीक एवरी रिलीजन डिफाइनज द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स यानी उस रिलीजन के जो लोग होते हैं उनको वो रिलीजन वहां पर डिफाइन करता है कि आपकी क्या ड्यूटीज है और आपके क्या राइट्स हैं। यानी उस रिलीजन के जो मेंबर्स होते हैं उस रिलीजन के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबरों के अंदर रिलीजन उनको सिखाता है कि आपकी क्या ड्यूटीज है और आपके क्या राइट्स हैं और उसके बाद इट टेल्स द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दैट व्हाट आर देयर ड्यूटीज टूवर्ड्स ईच अदर और फिर जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं और जो बच्चे होते हैं फिर वो मजहब उनको ये भी डिफाइन करता है कि आपकी क्या ड्यूटीज है एक दूसरे के तय एक दूसरे के तय आपकी क्या ड्यूटीज है और आपकी क्या राइट्स भी है ठीक एवरी वन वाई लिविंग इन फैमिली हर एक जो फैमिली में रहता है ओबेज एंड फुलफिल्ज द ड्यूटीज टूवर्ड्स ईच अदर उसको ओबे करना पड़ता है या उसको ओबे करना पड़ता है या उसको फुलफिल करने पड़ते हैं जो भी फैमिली के अंदर ड्यूटीज होते हैं और एक और एक बात ये दूसरी बात एंड कॉपरेट ईच अदर फिर एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करना पड़ता है जो उस फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टू रन द फैमिली क्यों फैमिली को चलाने के लिए इट हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द फैमिली और साथ साथ क्या होता है ये बैलेंस भी मेंटेन रखता है जो फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये रिलीजन है इट ऑर्गेनाइज फैमिली लाइफ ये फैमिली लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है ये फैमिली को सिखाता है यानी उसके जो रिलीजियस ट्रेडिशन होते हैं रिलीजियस ट्रेडिशन उसको सिखाता है कि आपकी क्या आपकी क्या ड्यूटीज है आपके क्या आपके क्या मतलब राइटस है ये सब चीजें सिखाता है उसको ठीक तो उसके बाद इसका एक और पॉइंट है वो है टू रिमूव म्यूचुअल डिफेंसिस यानी ये रोल ऑफ रिलीजन इसको आप कहिए या फंक्शन ऑफ रिलीजन आप इसको कहिए टू रिमूव म्यूचुअल डिफरेंसेस यानी जो ये रिलीजन है इसका काम ये भी बनता है कि आप म्यूचुअल डिफरेंसेस को रिमूव करें आप म्यूचुअल डिफरेंस को रिमूव करें देखो किस तरह से देर आर मेनी रिलीजन इन द वर्ल्ड यानी इस दुनिया में इस वर्ल्ड में बहुत सारे मजहब हैं दे आर नॉट आस्किंग इट्स फॉलोअर्स टू फाइट विथ ईच अदर या विथ द फॉलोवर्स ऑफ अदर रिलीजन यानी इस दुनिया में बहुत सारे मजहब है और वो मजहब जो है वो हमें ये नहीं सिखाता है कि आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करो या आप जो दूसरे मजहब के लोग हैं यानी एक मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे मजहब के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा फसाद उठाओ ठीक और हमें ये वो क्या सिखाता है हमें हर एक मजहब यही सिखाता है कि आप एक दूसरे के साथ रहो मोहब्बत के साथ अमन के साथ एंड दे आशक देयर फॉलोवर्स और रिलीजन ये भी कहता है अपने फॉलोअर्स को टू रिमूव दियर म्यूचुअल डिफरेंसेस यानी आपके दरमियान जो म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं इसको रिमूव करो ये चीजें एक दूसरे के साथ मत रखो आप अमन के साथ रहो आप मोहब्बत के साथ रहो आप एक दूसरे के साथ चलो आप एक, एक दूसरे की हेल्प करो ठीक एंड रिमूवल ऑफ डिफरेंसेज विल इंक्रीज यूनिटी इन द सोसाइटी एक बात ये जब आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे जब आप एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहेंगे ये हर एक मजहब कहता है जितने भी मजहब दुनिया में हर एक मजहब यही कहता है कि आप एक दूसरे के साथ लव के साथ रहो पीस के साथ रहो ठीक एक तो ये दूसरी बात ये कि इससे क्या हो जाता है जब रिमूव ऑफ म्यूचुअल डिफ्रेंस हो जाती है फिर उससे यूनिटी सोसाइटी में इंक्रीज होती है यानी इतफाक सोसाइटी में कायम होता है दोस्ती सोसाइटी में कायम होती है। ठीक इसका एक और फंक्शन है और यहां इसको आप रोल भी कह सकते हो दैट इज सेफ्टी ऑफ कल्चर सेफ्टी ऑफ कल्चर देखो प्यारे बच्चों रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कल्चर जो रिलीजन है ये एक अहम रोल कायम करता है कल्चर को मेंटेन रखने के लिए और कल्चर की सिक्योरिटी के लिए ठीक बिकॉज ऑफ रिलीजन इंडियन कल्चर हैज बीन मेंटेनेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ इयर्स देखो रिलीजन की वजह से जो इंडियन कल्चर है ये मेंटेन रखा गया है थाउजेंड ऑफ इयर्स से ठीक मेनी इंस्टीट्यूशनज कैम इन टू बी यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहां पर आए और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खत्म भी गई बट रिलीजन हैज नेवर अलाउड एनी लेकिन रिलीजन ने कभी किसी इंस्टीट्यूशन को ये एलो नहीं किया टू फिनिश इट्स कल्चर ऑफ इसके कल्चर को फिनिश करो खत्म करो ठीक इनफैक्ट इट हैज सेव्ड द कल्चर यानी जो रिलीजन है इसका एक अहम रोल होता है कल्चर को सेव करने में तो ये कुछ रोल और फंक्शंस ऑफ रिलीजन थे फिलहाल आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर टुडे